हेलो बच्चों, अभी एप्लीकेशन के पार्ट का हमने पहला वीडियो किया था। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन के पार्ट का पहला वीडियो किया था। उस वीडियो में मैंने आपको कूलम्स लॉ निकालना सिखाया था। मैं सेकंड वीडियो करा रहा हूँ। कैप्सूल, दो कैप्सूल दी थी मैंने यहाँ पे। पहली, थीटा आपका 0 डिग्री होगा, और सेकंड बोला था कि एक फाई इक्वल टू आपको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से निकालना है, और एक फाई निकालना है आपने ई डॉट डीएस से। दोनों को इक्वेट कर देना है, जो भी पूछ रहा होगा उसका आंसर निकल जाएगा। ये कैप्सूल मैंने आपको दो दी हुई थी। कैप्सूल क्या होती है, बार बार आप उससे ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो होता क्या है, मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, आप भूल जाते हैं पेपर में। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हम एज अ स्टूडेंट जब हम क्लास 12th में पढ़ते थे, अपनी याद रखेंगे तो कई सारी चीज़ें ना याद नहीं आती थी, भूल जाते थे। तो कभी भी कुछ चीज़ों को ऐसे रिलेट करके, चीज़ों को निकाल करके, कैप्सूल मीन्स होता है एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, तो बार 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 उस पॉइंट को डिस्कस करोगे। मैंने तुम्हें पढ़ाई, मैंने 3 एप्लीकेशन 4 एप्लीकेशन करवा दी अभी। मैंने हर एप्लीकेशन के अंदर थीटा 0, फिर तुमने रिविजन किया, टेस्ट दिया स्कूल में, ये किया वो किया, तो हर जगह बार बार रिविजन हो गया, तो वो आपकी मेमोरी बन जाएगी। थीटा 0 डिग्री होता है, तो वो हाथ नहीं रुकेगा कभी भी। कभी भी आप कोई भी डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आपको ऑलवेज हेल्पफुल है। तो आप ये देखिए, हमने कैप्सूल वाले पार्ट को ये कर दिया। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। इनफाइनाइटली लॉन्ग आपका कंडक्टर है, उस कंडक्टर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी सीखनी है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती, जैसे आपके पास मान लीजिए, जैसे आप ये समझ के चलिए, आपने यहाँ पे ऐसे दिखा देना, ऐसे डॉट 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 ऊपर को दिखा देना, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है। सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको यहाँ पे एक्स बोल दो, इसको एक्स डैश कह दो, क्या हो जाएगा ऐसे, और ये चलाते रहे, ऐसा नहीं कि एक्स डैश पे खत्म हो रहा है। इनफाइनाइटली लॉन्ग मीन्स बहुत लंबा है। तो लेट एक्स एक्स डैश बी अ इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, चार्ज, ठीक है। इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड किया हुआ, पॉजिटिवली चार्ज्ड किया हुआ, तो बच्चों होता क्या है, सबसे पहले हमें इसकी गॉसियन सरफेस के बारे में बात करना है। मैंने क्या किया, इसको इनफाइनाइट लेंथ को सॉल्व करने की जगह इसकी एल लेंथ की बात कर लेते हैं। तो ये एल लेंथ है, इस पे चार्ज है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप समझ के चलिए, आपको सबसे पहले क्या बोलना है कि अगर कोई चार्ज होगा तो चार्ज में से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलते, जैसे बल्ब है, बल्ब में से बाहर को लाइट निकलती है, उसी तरीके से आपके पास अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर है पॉइंट चार्ज की फॉर्म में, तो ऐसे इधर को इधर को इधर को हर डायरेक्शन में निकलेगी, तो स्फेयर की फॉर्म में लाइट बाहर को निकलती है ना, तो वहां पे हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना रहे थे। अब अभी क्या है, आपके घर में आपने देखा है, आपने बल्ब देखा, तो बल्ब से लाइट कैसे निकलती है सब जानते हैं, ट्यूबलाइट से कैसे निकलती है सब जानते हैं। तो सपोज ये ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट है तो क्या होगा, लाइट ऐसे यहाँ पे बंद, यहाँ से बंद हो तो ऐसे लेटी रहती है ना दीवारों में लगी हुई, देखेंगे ट्यूबलाइट है, खड़ी कर दो उसको, ये तो ट्यूबलाइट ऐसे इधर को इधर को इधर को ऐसे करके लाइट निकलेगी, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो ऐसे आउटवर्ड, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो बच्चों कितनी लाइट निकल रही, उसके लिए जो इन्वेलप है वो ऐसे ही तो बनाना पड़ेगा मुझे, ये इन्वेलप। तो ये कैसा हो गया आपका, ये सिलेंड्रिकल इन्वेलप हो गया, इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी मुझे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके चारों ओर इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से आउटपुट निकलेंगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जो रेडियस है वो मान लो आर हो गई, ये जो इस पार्ट की रेडियस है आर हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब अगर आप इस पार्ट में भी देखोगे तो देखो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटवर्ड इस तरीके से ही रहेगा, आप इसमें भी देखोगे तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही को रहेगा, आप किसी भी पोर्शन पर आप इधर को देखोगे तो इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ को रहेगा, एक ही तरफ सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आपने बना दिया, आपने कहा मान लीजिए ये जो आपने ये ले लिया, इसकी लेंथ आपने एल ले ली, और ये जो चार्ज है आपने प्लस क्यू चार्ज बोल दिया इसको। लेट लेट अस टेक
स्मॉल एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। फिर लिख लेते हैं लेट अस ड्रॉ अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ या हाइट, जो भी बोलना है आप इसको हाइट बोल लेते सिलेंडर के अंदर, हाइट स्मॉल एल एंड रेडियस स्मॉल आर। या रेडियस का क्या मीनिंग है सबको पता है, अब ये कोई समझाने की बात नहीं, रेडियस स्मॉल आर ये चीज है, ठीक है। तो अब करना क्या है, इसके छोटे से पोर्शन की वजह से फ्लक्स निकाल लीजिए। अब होता क्या है ना बच्चों, देखो यहाँ पे मैं आपको इसको पूरे को सॉल्व करा के दिखाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीन पार्ट लेके चलते हैं। अब इस एरिया की भी बात कर लो, इसकी भी बात कर लो, इसकी भी बात कर लो, तीनों में करके देख लेते हैं, कोई जल्दीबाजी है नहीं, आराम से हमें समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं इस ए पोर्शन बोल देता हूँ, यहाँ पे इसको बी बोल देता हूँ, एक मैंने यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया यहाँ ले लेना है, ठीक है, यहीं पे ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये आपने एक डी एस एक यहाँ ले लिया। अब ये जो एरिया है ना, जैसे आपके पास ये रखा हुआ है, इसकी डायरेक्शन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कैसे होंगी, देखो आपको पता चलिए आपकी तरफ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो एरिया वेक्टर है वो ये होगा, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। इस वाले के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर। अब इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया के परपेंडिकुलर। तो ये ऐसे ऊपर को जा रहा होगा, इस वाले का एरिया वेक्टर ये होगा, इस वाले का एरिया वेक्टर आपकी तरफ, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी आपकी तरफ आ रही है, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर भी आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो आपकी तरफ आ रही है, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है ये ऐसे है, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, समझ रहे हैं ना। और ऐसे नीचे वाले पोर्शन में एरिया वेक्टर नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी तरफ आ रही है, ये तो एंगल ये भी कितना बनेगा 90 डिग्री। लेकिन हम इनको सॉल्व करेंगे, आपने यहाँ पे ले लीजिए पी पॉइंट, इसको भी आपने डी एस वेक्टर ले लिया, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने यहाँ पे डी एस वेक्टर ले लेना है। सपोज आपने कहा ये ले लीजिए, वैसे तो ये लाटे बने की बातें हैं, अगर हम यहाँ और यहाँ कंसिडर भी कर रहे हैं होगी ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ऐसे निकल रही है तो फ्लक्स यहाँ से तो जीरो ही होगा, लेकिन चलिए हटाइए, फिर भी हम करते हैं ए बी सी। कुछ विद्वान लोग पढ़ा देते हैं, फिर बच्चे सोचेंगे अरे सर ने तो हमें ऐसा बताया नहीं, तो उनके लिए मैं भी बता देता हूँ, यहाँ डी एस वेक्टर, यहाँ डी एस वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इधर डी एस वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, फाइव बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन कौन सा फाइव, फाइ ए इंटीग्रेशन, जो डी फाइ ए निकाल देते हैं यहां पे, डी फाइ ए मीन्स डी फाइ ए छोटा सा पोर्शन, ये वाले पोर्शन के लिए इसका इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन डी फाइव बी प्लस इंटीग्रेशन डी फाइव सी कर देते हैं। अब डी फाइव ए यहाँ पे करोगे तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, यहाँ ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, और यहाँ पे लिख देते हैं हम ई डॉट डी एस, और यहाँ पे हमने लिख दिया सी। अब बच्चे बोलेंगे कि अभी सर ने तो जीरो डिग्री, हाँ जीरो ही रहेगा, जो जिंदे रहेंगे वो जीरो रहेंगे, जो बिल्कुल जाने वाले वो 90 हो जाएगा, तो ये और ये तो रहने वाला ही नहीं है ना, तो जीरो डिग्री, तो इनको तो मैंने बोला निकालने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप डायग्राम सीधे फ्लक्स निकालो इस पोर्शन को लेके तब भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं इनको कर दे रहा हूं, तो ये तो थोड़ी देर में तुमने कहना वैसे ही जीरो है, क्यों, क्योंकि यहां पे और यहां पे जो एंगल है वो जीरो होने वाला है। कैसे, देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 90, यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा है 90 ए पोर्शन पे, ए की बात चल रही है, प्लस ई डी एस कॉस 0, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 हो गया, प्लस ये बी वाले पोर्शन की बात है, यहाँ भी ई डी एस कॉस 90, यहाँ भी एंगल कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है आपका, कॉस 90 0, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो आपके पास ये तो दोनों पहिया, ये टर्म जीरो हो गया, यहाँ पे ई इंट्रीगेशन डी एस रह गया, कॉस जीरो की वैल्यू 1, और ये टर्म भी 0, तो आपने देखा बचा कौन, सिर्फ जीरो वाला। तो यहां से आगे देखते हैं, तो क्या निकल के आ गया, मेरा फ्लक्स निकल के आ गया है ई इंट्रीगेशन डी एस।
अब इंटीग्रेशन डीएस क्या है, देखो इंटीग्रेशन डीएस ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, कौन सा वाले पोर्शन की बात चल रही है, बी पोर्शन की। तो इंटीग्रेशन डीएस इज इक्वल टू, अब ये वाला जो सरफेस है, देखो बच्चों ये वाली और ये वाली सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा नहीं रही है, कौन सी सरफेस से जा रही है, कर्व सरफेस से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेंडर की कर्व सरफेस। और ये वाली जो हमारी है अपर सर्कुलर हो गया और ये भी हमारी सर्कुलर हो गई। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मैं इसको समझाने के लिए एक पेज लेके आता हूँ, उससे समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए इंटीग्रेशन डीएस क्या होता है, देखो इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे ये है, इसको अगर मैं ऐसे करके गोल घुमा देता हूं तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो बच्चों ये वाली जो एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, ये ऊपर वाला और नीचे वाला तो खत्म हो गए, इसके बारे में सोचो आप क्या होता है। देखो अगर मैं इस छोटे से पोर्शन की बात करूंगा तो ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। सर्कल में ये चीज क्या कहलाती है, सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। खोल दूंगा तो सर्कमफेरेंस क्या बन गई, लेंथ बन गई। अब ये पेज की बात कर लेते हैं, पेज का ये टुकड़ा मैंने यहां से फाड़ा है, ठीक है। तो ये जो टुकड़ा है सर्कल बनने के बाद क्या बन रहा है, इसको मैं 2πr बोल रहा हूँ। तो देखो ये वाली जो चीज है ये सर्कमफेरेंस हुई, जब आप इसको सिलेंडर बना रहे हैं तो ये तो सर्कुलर पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन आपका सर्कुलर निकल के आ रहा है। ये वाला पोर्शन आपका सर्कुलर निकल के आ रहा है, तो ये 2πr हो गया। और ऐसे इसकी लेंथ कितनी है, l है, समझ रहे हैं ना। अगर मैं इसका यहां से थोड़ा सा पोर्शन फाड़ूंगा, जैसे मैंने इसे फाड़ करके बनाया हुआ था, तो ये क्या बन रहा था आपका, सर्कल बन रहा था। तो सर्कल में ये चीज क्या कहलाती है, आपकी सर्कमफेरेंस कहलाती है। तो ये चीज तो सर्कमफेरेंस हो गई, सर्कमफेरेंस कितनी थी, 2πr। ऐसे क्या है, इसकी लेंथ l है, तो खोलो तो जरा इसको, तो ये 2πr, ये लेंथ l, ये पेज है, ये पेज आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2πr इंटू l। तो एरिया हो जाएगा इसका कितना, 2πr इंटू l। तो जिनको सपोज इसमें भी प्रॉब्लम है तो वो ये देगी, इस पेज का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो 2πr इंटू l हो गया, तो इक्वल टू आपका हो गया 2πr l इंटीग्रेशन ds, ये वाले कर्व्ड सरफेस एरिया पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो phi हो जाएगा आपका e इंटू 2πr l, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। तो देखिए वही वाली प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम चल रही है। तो ये आ गया आपका फ्लक्स निकल के आ गया 2πrl e into 2πrl। अब सेकंड मुझे क्या करना है, गॉस लॉ अप्लाई कर देना है। अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है आपका, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग phi इज इक्वल टू क्यू बाई साइलेंट नॉट, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब हो जाएगा आपका इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो क्या होगा, e इंटू 2πrl इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से e की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2πε0 क्यू बाई एल इंटू 1/r। मैंने जानबूझ के इस फॉर्म में इसको लिख रखा है अभी फिलहाल, ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। अब क्यू बाई एल क्या होता है, क्यू बाई एल इक्वल टू लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो लेंथ के अलोंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, अगर इसमें चार्ज ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज कम है तो डेंसिटी कम होगी, तो वो होता है लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। चार्ज ज्यादा है तो लेमडा ज्यादा होगा। अगर मान लो इसमें 100 चार्ज है इतनी लेंथ में, और अगर मैं लेंथ को डबल कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये, और इस पर 100 चार्ज है, तो डेंसिटी कम होगी ना,
जैसे क्लासरूम में मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं, अपने कमरे की बात कर लीजिए, इस कमरे में 10 लोग बैठे हैं आप जिस रूम में, और एक बार 100 लोग बैठे हुए हैं, एरिया आपका फिक्स हो गया, 10 लोग बैठे हुए हैं और दूसरे वाले में 100 लोग बैठे हुए हैं, तो अब ऑब्वियसली बात है जब 10 बैठे तो डेंसिटी कम है, जब 100 बैठे तो जब डेंसिटी ज्यादा, तो ज्यादा लोग होंगे तो डेंसिटी वहीं पे ज्यादा होगी। तो वैसे ये देखो लैम्डा इक्वल टू क्यू, ज्यादा चार्ज होगा तो डेंसिटी ज्यादा है। अब लेंथ की बात कर लेते हैं आपके कमरे में, तो एरिया की बात कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब आपने सेकंड क्वेश्चन कह दिया कि भाई आपके कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, आपके कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, अब मैं आपको एक हॉल दे देता हूं, वो आपके कमरे से 4 गुना बड़ा है, उसमें 20 लोग बैठे हुए हैं, कहां डेंसिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है आपके कमरे की, आपके कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, आपके कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, अब एक हॉल दे दिया, उसका जो साइज है वो आपके कमरे से 4 गुना बड़ा है, वहां 20 लोग हैं, तो डेंसिटी कहां ज्यादा हुई? डेंसिटी आपके कमरे की ज्यादा, क्योंकि वहां 4 गुना ज्यादा हो गया, तो आपके कमरे की डेंसिटी और उसकी डेंसिटी तब बराबर होती जब वहां 40 लोग हो जाते, एरिया 4 गुना बढ़ गया, तो एरिया में जैसे हो रहा वैसे लेंथ में देख सकते हैं कि अगर आप 100 डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कर रहे हैं या आप 100 की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी लेंथ में करेंगे, तो भाई लेंथ ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इसलिए लेंथ अगर ज्यादा हो रही है तो डेंसिटी कम, और क्यू बाई लैम्डा को हम लोग क्यू बाई एल को लैम्डा बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा इसकी जगह पे, तो ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द इनफाइनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ये है, इसे अभी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखने के लिए बोल देगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, डायरेक्शन ये है तो इसको आर कैप बोलोगे, ये आर की डायरेक्शन में है ना, रेडियली आउटवर्ड है, रेडियस के अलोंग है इसकी, तो रेडियली आउटवर्ड के लिए आर कैप आ जाएगा, तो जब ई वेक्टर लिखूंगा तो ई इंटू आर कैप, और ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर आर कैप, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। कभी कभी इसी फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, कैसे, इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा 2λ/r हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले को हम लोग अक्सर तब यूज किया करते हैं जब हमको डायरेक्ट वैल्यू लिख देनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है ना, 9×10⁻¹, तो इस फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, अगले वाले में करेंगे हम प्लेन शीट की वजह से।